बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 आपसे डिस्कस किया था। अभी 24th क्वेश्चन देखिए। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस। आप क्वेश्चन पढ़ना है और तीनों में आपको पढ़ाऊंगा 24, 25 और 26। उसके बाद बताऊंगा कौन सा करना है अभी। तो 24th आपने पढ़ा, 25th पढ़िए। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज टैन इनवर्स √2। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, स्लांट हाइट दी गई है और आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। इसमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है और कर्व सरफेस को लिस्ट बताना है। ठीक है, 26th भी पढ़ लीजिए। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो ये एंगल इतना होगा। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अभी मैं एक इसमें से लेता हूँ, चलिए 25th पहले लेता हूँ। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट इज दिस वन। देखिए बच्चों, ये कोन मैं मान लेता हूँ, कोई कोन है, ये इसकी स्लांट हाइट है एल, ये गिवन है। ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल मैंने मान लिया अल्फा है, ये इसकी हाइट एच है और ये रेडियस मान लीजिए आर है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट, वॉल्यूम ऑफ कोन वी इक्वल टू, आप जानते हैं 1/3 πr²h। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहां से 1/3 πr²h की वैल्यू इससे निकाल लूं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा कि नहीं, तो एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पुटअप कर दूं एच की वैल्यू √l² - r² मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, इसे सपोज v है, ये v है, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा v² ताकि ये रूट हट जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1/9 πr³ (l² - r² इसे मान लिया बच्चों मैंने कितना, जेड। अब मैं निकाल लूँ dz/dr। देखिए इसमें मैं l लाया हूँ और l क्या है, इसमें गिवन है मतलब कॉन्स्टेंट है। dz/dr कितना होगा, 1/9 πr² r⁴ को अंदर लेके जा रहा हूँ तो l² r⁴ का डिफरेंशियल हो गया 4r³ माइनस r⁶ का हो गया 6r⁵। 4 मैक्सिमा और मिनिमा क्या करिएगा, dz/dr 0। ठीक है, इसे 0 लिखूंगा तो 1/9 πr² (4l²r³ - 6r⁵ = 0। अगर मैं इसे यहाँ से देखूंगा बच्चों और इसे 0 लिखूंगा तो यहाँ से हो जाता है 4l²r³ - 6r⁵ = 0, 4l²r³ = 6r⁵। आर क्यूब को मैं काट देता हूँ, ठीक है, तो 4l²= 6r². ठीक है, तो l²/r² कितना हो गया यहाँ से 6/4। तो आप r की वैल्यू ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ r या l की वैल्यू ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस वन। तो l/r कितना हो गया बच्चों इससे √3/2। ठीक है, बाद में बताऊंगा इसका क्या यूज है। अभी r की स्क्वायर की अगर वैल्यू देखूं इससे तो 4l²/6, तो मुझे जैसी आवश्यकता होगी मैं कर लूंगा। नाउ फाइंड हो गई इसमें √3/√2। ठीक है,
अब नाउ फाइंड डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो 1/9π² आर क्यूब का हो गया 3r², तो 3×4=12 l² r² -30r⁴। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं देखूंगा बच्चों, एट r² = 4l² / 6 यहाँ रख दूँ तो डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इक्वल टू, इससे देखो तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकता था, 1/9π² आर स्क्वायर कॉमन, ये हो गया 12l² -30r². ठीक है, अब वैल्यू पुट अप करता हूँ मैं, आर स्क्वायर की कितनी, 4l² / 6, 1/9π² है, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4l² / 6 × 12l² -30 × r² की वैल्यू 4l² / 6, 6×5=30। ओके, तो ये हो गया कितना आपके पास में, 4 है तो 4/9, 6×54 π² l², ये हो गया बच्चों 12l² -20l² -8, 4/54 π² l² −8l². फाइनली इट इज नेगेटिव, इट इम्प्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन r² = 4l² / 6। ठीक है, अब इस चीज को देखते हुए l/r की वैल्यू मेरे पास कितनी थी बच्चों, √3/√2। हमसे क्या पूछा उसने, देखिए, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण ऑफ गिवन स्लांट हाइट, ठीक है, इज टैन इनवर्स √2। इसका सेमी वर्टिकल एंगल मैंने कहा था अल्फा, तो अगर मैं आपसे पूछता टैन अल्फा, तो टैन अल्फा कितना होता बताइए, टैन अल्फा की वैल्यू इससे होती परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आर और बेस कितना एच, एच की वैल्यू इससे देखूंगा तो आर, देखो एच की वैल्यू यहाँ से आर अपॉन √l² - r² आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करूंगा मैं, देखो ये हो गया आर अपॉन √l² - आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4l² / 6। अभी चेक करते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू आर की वैल्यू आर स्क्वायर की कितनी हो गई 4l² / 6 स्टार्ट। बच्चों टेन अल्फा हो गया आर अपॉन एच, यहाँ दिखाओ एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए आर अपॉन एच की वैल्यू मैंने लिख दी √l² - r², तो मैं सोच रहा था यहाँ कैलकुलेशन मैंने किसके टर्म्स में की, एल के, तो चूंकि ऊपर आर है तो मैं सोच रहा इसे एल के ही टर्म्स, आर के ही टर्म्स में कर देता हूँ। यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू आप निकालिए कितनी, 6r² / 4, और यहाँ पुटअप करिए तो √6r² / 4 -r², एलसीएम लिया तो देखो टेन अल्फा इक्वल टू, ध्यान देना आर अपॉन, इसका एलसीएम हो गया 4 √6r² -4r² / 4, ये 4 ऊपर चला गया बच्चों, इसका तो √2 हो गया, तो 2r/6 - 4 2 ये हो गया √2, r कैंसिल तो ये बन गया √2, टेन अल्फा हो गया √2, टेन अल्फा कितना हो गया बच्चों √2, तो अल्फा हो गया टेन इनवर्स √2। ये हमसे पूछा था कि सेमी वर्टिकल एंगल उस कोण का जिसकी स्लांट हाइट हमें मालूम है और मैक्सिमम वॉल्यूम है कितनी होगी, सेमी वर्टिकल एंगल टैन इनवर्स √2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये 26 क्वेश्चन, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम,
इसमें सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करना। कहीं दिक्कत हो, क्वेश्चन ना हो तो मुझे बताना। एक क्वेश्चन 24 भी आज आप ट्राई करना, अगर इनमें से कोई सा भी नहीं होता तो मुझे ज़रूर बताएंगे। इसमें ज़रा देखिए, ये एग्जांपल 41 है। ये एन अपाची हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस इक्वेशन। इस सोल्जर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। नियरेस्ट टू हिम का मतलब समझते हैं ना कि डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या होगी मिनिमम। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स द हेलीकॉप्टर पोजिशन एट दिस पॉइंट। ये हो गया एक्स कोमा वाई, कोई पॉइंट मैंने ले लिया बच्चों, और वाई की वैल्यू क्या लिख दी उसमें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब देखो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस हमने निकाला, वो ये आया। ठीक है, और इसे क्या दिखाना है, बस मिनिमम। तो इसे एफ एक्स मान लिया, एफ डैश एक्स निकाला। आप इसे अपने तरीके से करना, इसने सेकेंड डेरीवेटिव नहीं लगाया इसलिए मैंने बताया, आप अपने सेकेंड डेरीवेटिव से ही इसे करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आज आप करेंगे एक, और एक एग्जाम्पल और है इसमें, उसे भी आज आप ट्राई करना। हाँ, ये एग्जाम्पल 37 देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बोर्ड में पूछा गया है। इफ लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो आपने क्या करना है, ट्रेपीजियम के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे और इसे सेकेंड डेरिवेटिव से आप करके देखेंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी कई किए हैं। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। इसमें क्या है बच्चों, कोन के अंदर सिलेंडर बनाया गया, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया को क्या दिखाना है आपने, मैक्सिमम दिखाना, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आज आप ट्राई करेंगे और एग्जांपल करेंगे इसके, और मैं कहता हूँ आज ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिए, तो मैं फिर आगे मिसलानियस की तरफ चलूँगा। ठीक है, थैंक यू।